दोस्तों अगर आप लोग WhatsApp चलाते हैं तो अभी तक आप लोग केवल WhatsApp पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड चैटिंग ही कर पाते थे, यानी कि आप WhatsApp पर जिसको मैसेज भेजते हैं आपके मैसेज को केवल वही देख पाता है। लेकिन दोस्तों अब WhatsApp में एक नया फीचर भी ऐड कर दिया गया है, तो अगर आप अपने WhatsApp चैट का बैकअप लेते हैं तो आप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप ले सकते हैं, यानी कि अब आपका WhatsApp चैट का बैकअप भी सिक्योर रहेगा। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो WhatsApp चैट के बैकअप को सिक्योर बनाने के लिए सबसे पहले तो आप अपने मोबाइल में WhatsApp ओपन कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ 3 डॉट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ सेटिंग्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ चैट्स के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ नीचे आएंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा चैट बैकअप, तो आप यहाँ चैट बैकअप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर आपको बैकअप के नीचे एक ऑप्शन दिखेगा एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप, तो ये पहले से डिफॉल्ट ऑफ रहता है, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आप नीचे देखेंगे तो आपको एक ऑप्शन दिखेगा टर्न ऑन, तो आप इस पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपको दो ऑप्शन मिलेंगे, पहला ऑप्शन है क्रिएट पासवर्ड और दूसरा ऑप्शन है यूज 64 डिजिट इंक्रिप्शन की। तो अगर आप इस पर क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपको 64 डिजिट का इंक्रिप्शन की मिलेगा, जिसको आप यहाँ पर क्लिक करके जनरेट कर सकते हैं, और उस की को आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा या फिर आपको उसे कहीं लिख करके रखना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सबसे आसान तरीका यह है कि यहाँ पर आप क्रिएट पासवर्ड पर क्लिक करके पासवर्ड क्रिएट कर लीजिए। तो यहाँ पर आप क्रिएट पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप 6 कैरेक्टर्स और 1 लेटर को एंटर करके अपना पासवर्ड क्रिएट कर सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर आप जो भी पासवर्ड रखना चाहते हैं आप उस पासवर्ड को एंटर कर दीजिएगा। ध्यान रखिएगा कि पासवर्ड में 6 कैरेक्टर्स होने चाहिए और एटलीस्ट 1 लेटर होना चाहिए। तो यहाँ पर आप अपना पासवर्ड एंटर कर दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप उसी पासवर्ड को दोबारा से एंटर कीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस खुल करके आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा क्रिएट, तो आप यहाँ क्रिएट के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। अब यहाँ पर दोस्तों आप देख सकते हैं कि एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप ऑन हो चुका है। तो अगर आप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप को ऑन करके अपने WhatsApp चैट का बैकअप लेंगे तो आपके WhatsApp चैट का बैकअप एंड टू एंड इनक्रिप्टेड होगा। लेकिन दोस्तों अगर आप इसके पासवर्ड को चेंज करना चाहते हैं या फिर आप इसे टर्न ऑफ करना चाहते हैं, तो उसके लिए आप क्या कीजिएगा कि आप दोबारा से यहाँ पर एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा। तो अगर आपको पासवर्ड चेंज करना है तो आप यहाँ चेंज पासवर्ड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप अपना करेंट पासवर्ड डालिएगा। इसके बाद आप नया पासवर्ड चेंज कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों अगर आपको इसे टर्न ऑफ करना है तो आप यहाँ टर्न ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक कीजिएगा और यहाँ पर आप अपना करेंट पासवर्ड डालिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा टर्न ऑफ, तो आप यहाँ टर्न ऑफ के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आप इसे डन कर दीजिएगा। तो इस तरह से आप अपने WhatsApp चैट के बैकअप के लिए एंड टू एंड इनक्रिप्टेड बैकअप को ऑन कर सकते हैं और ऑफ कर सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत ही ज्यादा पसंद आई होगी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो फिर मैं आपसे मिलूंगा इसी तरह की एक और नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा।